नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 15 गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। आप पक्षर दाबी कोरापुट जिले में प्रति परिवार को मिल 200 यूनिट मागणा बिजुली। से हीपरी भुवनेश्वर फेमस किशोर भाई मटन दुकान को बंद कले सरकार। यह सहित तो पीएम किसान योजना टंका केबे मिल सूचना आसी। आसतु आज सकाल आसीथिबा 30 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। तेज नुआक आम चैनल को आसते वीडियो को प्रथम गोटे लाइक करूँ। यह सहित तो चैनल को सब्सक्राइब करने सहित तो ऑल बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु और आपणकर सुंदर मतामत दिंतु। नंबर एक, नकली औषध धरपकड़ एवं सबू जिले हेब चढ़ाऊ। राज्य में नकली औषध बिक्री अभियोग कटक दुईज गिरफ होगापर आगामी दिन में राज्य में समस्त जिलागुड़िक नकली औषध धरपकड़ निम्ते चढ़ाऊ को जोरदार करने स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास सूचना देते। गणमाध्यम को प्रतिक्रिया दे श्री दास कहते जे राज्य में नकली औषध बिक्री और जोगाण को कौन सी परिस्थित भी सरकार बरदास्त करे ना। नंबर दुई, मार्च सुधा राज्य में निर्माण होजु सेतु। 2022-23 आर्थिक वर्ष शेष सुधा राज्य में मोट 300 विजु सेतु निर्माण हो 1788.02 कोटी टंका खर्च हो जमापड़ी। राज्यर विभिन्न दुर्गम अंचल गमनागमन एवं जोगाजोग नदी नालगुड़िक समस्या सृष्टि करुथिबारु मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 2021 अक्टोबर 9 तारीख ठारु विजु सेतु योजना शुभारंभ करिसेंती। क्रम में मार्च सुधा आउ 300 सेतु निर्माण करा जिवो। नंबर तीन, राज्य में बढ़ला लंफी भाइरस भय। उत्तर भारत समेत राजस्थान उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में गाई मईसी को चर्मबिंडी रोग आक्रांत हो एथिरे बहु संख्यारे पशु प्राण हर परे एबे सतर्क सूचना जारी करिसेंती राज्य मत्स्य और प्राणी संपद विभाग। चर्म बिंडी रोग को नियंत्रण एवं प्रतिकार निमंते राज्यर सीमावर्ती जिलार मुख्य जिला प्राणी चिकित्सा अधिकारी मानंकु विभाग प्रमुख सचिव डॉक्टर अरविंद पाड़ी निर्देश देचंती। बालेश्वर, झारसुगुड़ा, केन्दुझर, मयूरभंज, नवरंगपुर, रायगढ़, गंजाम, गजपति, नुआपड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, कोलाहांडी, कोरापुट और मालकानगिरी जिले में चर्मबिंडी रोगर लक्षण एवं प्रतिषेधक व्यवस्था संपर्क में व्यापक प्रचार एवं जनसचेतनता सृष्टि करने को निर्देश दिया जाए। नंबर चार, पुणी आसुची आउ एक लघुचाप 18 बर्षिव। राज्य में पुणी बढ़िबो वर्षार परिमाण। आसंता 18 सेप्टेम्बर बेलकू उत्तर बंगोपसागर अंचल एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। एने आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना दि जाए। यार प्रभाव में राज्य में पुणी वर्षार परिमाण बढ़िब। विशेषकर 17 तारीख रु 22 तारीख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में सामान्य रु मध्यम धरणर वर्षा हेबो बोली आकलन करछि पाणीपाग विभाग। नंबर पाँच, पुंजी निवेश रे ओडिशा प्रथम। ओडिशा रे होईछि सर्वाधिक पुंजी निवेश। 2022 जून सुधा 36,828 कोटी टंकार पुंजी निवेश होईछि। केन्द्र सरकारक शिल्प नीति और प्रोत्साहन विभाग तरफ प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार 2020 रे ओडिशा पुंजी निवेश रे देश रे चतुर्थ स्थान रे थिला। सही वर्ष राज्य रे 28,995 कोटी टंका पुंजी निवेश होईथिला किंतु ए वर्ष ओडिशा देश प्रथम स्थान रे अछि पुंजी निवेश रे। नंबर छ, ब्रिटेन जिबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ब्रिटेन महाराणी एलिजाबेथ शेषकृत्य जोगदेवे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एथिपाई आसंता 17 तारीख में से इंग्लैंड गस्तरे जिबे। शेषकृत्य जोगदेवा लगी शताधिक राष्ट्र को अनुरोध करा भारत को मध्य अनुरोध करा। आसंता 19 तारीख में संपूर्ण राजकीय मर्यादा अनुसार महाराणी शेषकृत्य अनुष्ठित हो वैदिक व्यापार। नंबर सात, सत्यपाठ दाखल कले वर्षा प्रियदर्शिनी। केन्द्रापड़ा सांसद तथा अनुभव महांती पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी पारिवारिक बिवाद एवं थमार ना धरुनी। यार मध्य काली दुहें कटक पारिवारिक अदालत रे हाजर होते। कटक परिवार अदालत रे वर्षा सत्यपाठ दाखल कर मिथ्या तथ्य न देवा सत्यपाठ दाखल करी वर्षा। यह सहित विचार प्रक्रिया सहयोग करने को सत्यपाठ उल्लेख कर वर्षा। नंबर आठ, राज्य में आईएएस स्तर में अदल बदल। राज्य सरकार काली आईएएस स्तर में अदल बदल करिसेंती। जातीय स्वास्थ्य मिशन निर्देशिका शालिनी पंडा को सरकार स्वास्थ्य सचिव भाव गुरुदायित्व देइचेंती।
ଶକ୍ତି ସଚିବ ନିକୁଞ୍ଜ ଧଳଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ଗିଳ୍କୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବେ। କୃଷି ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ବୟନ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ନମ୍ବର ନଅ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବଢ଼ୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2000 ପାର କରିଛି। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2041 ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ 139 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 145 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପକଣ୍ଠରୁ 4 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୋଟ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 1926 ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 10, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେମସ କିଶୋର ଭାଇଙ୍କ ମଟନ ଦୋକାନର ଖାଦ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ। ଦୂରଦର୍ଶନ ଅଫିସ ନିକଟରେ ଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ହୋଟେଲର ଖାଦ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ କାଲି ଏଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ରଙ୍ଗ, ଏହା ସହିତ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ପଳାଇଥିବା ସସ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟଲ୍ କ୍ରାବ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଖରାପ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦଳମାନେ ଏହାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଟିକା। ଫେଜ୍ 1 ଟ୍ରାଏଲ୍ ଲାଗି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ ଲିମିଟେଡ୍ ବା IIL ମିଳିଛି ଅନୁମତି। IIL ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର କେ ଆନନ୍ଦ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା ଲାଗି IIL ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଟିକା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପରୀକ୍ଷଣ ଲାଗି ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧକ ଟିକା ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଟିକା ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଟିକା ଆସିବ ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବ। ନମ୍ବର 11, କିଶୋରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଉ 2 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଝିଅମାନେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିୟମିତ ଯେପରି ଆସିବେ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ରମାଗତ 10 ଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ନମ୍ବର 12, କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଣିକି ପ୍ରତିମାସରେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଚାଷର ସ୍ଥିତି ଓ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନିମନ୍ତେ ଏଣିକି 30 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 30 ଜିଲ୍ଲାର ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିମାସରେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷର ସ୍ଥିତି, କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। କୋରାପୁଟରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନଗର ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ରବି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ଏହା ସହିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଏ ନେଇ ଆପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ରଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14, ବଦଳିଲା ନିୟମ, ଏଣିକି ମିଳିବ ଶସ୍ତାରେ ବିଜୁଳି। ଏଣିକି ଯିଏ ମାଗିଲେ ତାକୁ ମିଳିବ ଶସ୍ତାରେ ବିଜୁଳି। ବିନା ଆବେଦନରେ ସବସିଡ଼ିଯୁକ୍ତ ବିଜୁଳି ପାଇବେ ଉପଭୋକ୍ତା, ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ବଣ୍ଟନ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାହାକୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦରକାର ତାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 15, ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ 8 କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ। ଗୋଆରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା, ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଗୋଆର 8 କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ।
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଗମ୍ବରମ୍ କମାତ ଏବଂ ଗୋଆ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ମଧ୍ୟ ଏବେ ହାତ ଛାଡ଼ି ପଦମ ଧରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏପଟେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବେ ଦେଶରେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଆରେ ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର 3 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। नंबर 16 काली भुवनेश्वर रे एयर शो आजादी का अमृत उत्सव पालन उपलक्षे उभय भुवनेश्वर एवं पुरी रे वायुसेना पक्षर एयर शो कार्यक्रम करा जाउचे। एही एयर शो नाम सूर्यकिरण रखा जाइचे। तबे आसंता 16 तारीख अर्थात आसंता काली भुवनेश्वर कुआखाई नदी पठा बालीजित्रा पड़िया रे एयर शो हेबो। अनेपटे पुरी रे 18 तारीख रे मध्य एयर शो करा जिवो। नंबर 17 देशर लक्षाधिक कर्मचारी का पई खुशी खबर। देशर लक्षाधिक केंद्रीय कर्मचारी को दीपावली पूर्वर एक बड़ खुशी खबर मिलवाक जाऊँगी। केन्द्र सरकार पक्षर गोटे नुहे एका सांगे तीनोटी बड़ उपहार मिल। रिपोर्ट अनुसार दीपावली पर्यंत कर्मचारी को तीनोटी बड़ उपहार मिल पाए। तबे जानतु कौन कौन उपहार मिल। प्रथम तो सेप्टेम्बर मासरे केंद्रीय कर्मचारी मानकर दरमा वृद्धि होगाक जाउचे। द्वितीय रे केंद्रीय कर्मचारी मानकर महंगा भत्ता डीए मध्य बकेया टंका सहित अकाउंट रे जमा हेबो। तृतीय रे एही दुईटी उपहार व्यतीत केन्द्र सरकार दीपावली पूर्वर कर्मचारी अकाउंट को एपीएफ रो सुध ट्रांसफर करिवे। नंबर 18 शुक्रवार दिन मोदी पुटिन साक्षात। मोदी पुटिन साक्षात हेबो। उज्बेकिस्तान रे सांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन अवसर रे परस्पर को भेटिबे दुई नेता। तबे आज ठारु दुई दिन धरी उज्बेकिस्तान रे एसीओ सम्मेलन अनुष्ठित हेबो। एही सम्मेलन रे जोग देबाकु आज उज्बेकिस्तान जाउचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ सहित शुक्रवार दिन एही सम्मेलन माध्यम रे पुटिन सहित साक्षात्कार हेबो मोदींकर। नंबर 19 बैंक और टिकसदाता आश्वस्ति। बैंक और टिकसदाता बड़ आश्वस्तिकर खबर आसी। इनकम टैक्स विभाग पक्षर एने घोषणा करणिक लोन सेटलमेंट बेले लोन उपरे कौनसी प्रकार टीडीएस लागिबो नाही। चलित बजेट्रे लोन छाड़ा उपरे टीडीएस नियम लागू करा जाउथिला। नंबर 20 आईआरसीटीसी देउची सिंगापुर मलेशिया कुआलालंपुर बुलिबार सुजोग। जदि आपण माने बुलिबाकु भल पाती तबे आपण सुवर्ण सुजोग। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी पक्षर एबे पंजीकरण आरंभ करा जाइछि। आपण चाहिले सिंगापुर मलेशिया कुआलालंपुर बुलिकि मजा उठाई पारिबे। तबे एही पैकेटर नाम रखा जाइछि आईआरसीटीसी सिंगापुर मलेशिया टूर एक्स पटना। अक्टोबर मास 13 तारीख रे एही यात्रा शुभारंभ करा जिवो। एथिरे 7 राती 8 दिन रहिछि। तबे यात्रींक रहिबा पई तारका होटल रे व्यवस्था मध्य करा जाइछि। एही पैकेज रे जणे यात्रींक पेछा 1,25,200 टंका देबाक पड़िबो। नंबर 21 एलन मस्क कंपनी स्पेस एक्स को टक्कर देव जियो। रिलायंस जियो खूब शीघ्र लोकों को सैटेलाइट बेस हाई स्पीड इंटरनेट सेवा जोगाई पारे। एथिपाई डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कंपनी को टेलर ऑफ इंटेड जारी करिछे। तबे एही अनुमति मिलवा द्वारा जियो ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सर्विस लॉन्च करी पारे। नंबर 22 भयंकर सड़क दुर्घटना घाई को खसिला मिनी बस 11 मृत्यु। जम्मू काश्मीर पुंज ठारे एक बस खात को खसबार 11 जनकर मृत्यु घटी। यह दुर्घटना रे 20 रु अधिक गुरुतर आहत होती। नंबर 23 विश्वर दुई नंबर धनी व्यक्ति हेबे गौतम आदानी। भारतीय शिल्पपति गौतम आदानी संपत्ति द्रुत गति में बढ़िबार लगी। एपरिक एवं से खूब शीघ्र आमाजन मुख्य जेफ बेजोस को अतिक्रम कर विश्वर धनी तालिकार दुई नंबर स्थान को उत्तीर्ण होबार जथेष्ट संभावना रही। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स अनुसार दुई नंबर स्थान जेफ बेजोस को मोट संपत्ति 150 बिलियन डॉलर थिबा बेले गौतम अदानी मोट संपत्ति 147 बिलियन डॉलर रही। नंबर 24 जानतु केबे मिलिबो किसान योजनार 12तम किस्ती। चाषी मानक मूलर मजबूत करने को किसान योजना आरंभ कर जो थे वर्षक चाषी मानक केन्द्र सरकार 6,000 टंका प्रदान करती। प्रति किस्ती 2,000 टंका आसूँ अकाउंट को। तबे
एबे चासी मानंकु 11तम किस्ती मिली सारिछि एवं 12तम किस्ती अर्थात द्वादश किस्ती को अपेक्षा करिछन्ते चासी। तबे रिपोर्ट अनुसार अगस्त 1 तारीख रु नवंबर 30 तारीख मध्य चासी मानंकु एक किस्ती टंका अकाउंट को मिली थाए। एथर मध्य सही समान परिस्थिति रे नवंबर 30 तारीख मध्य चासी मानंकर अकाउंट को पीएम किसान योजना रो 12तम किस्ती 2000 टंका आसीबो। नंबर 25 35 दिन हेब आसीना राजू को होश। राजू श्रीवास्तव स्वास्थ्यावस्था आसुना कौन से सुधार दीर्घ मस है हस्पिटाल रही राजू। राजू श्रीवास्तव हस्पिटाल आडमिशन होगा परपर्यंत चेता फेरी ना एवं भेन्टिलेटर सपोर्टर अच्छा राजू। फैन एवं परिवार लोके राजू प्रार्थना करे राजू केत ठीक हो घर को आसबे एने डाक्तर किसी ठोस भाव में कहीपार ना। नंबर 26 एयार बेसर सुरक्षा पाई किणा जीव 100 UAV। भारतीय वायुसेना देशर विभिन्न स्थान एयार बेसर सुरक्षा पाई बड़ पदक्षेप नहीं। एयार बेसर सुरक्षा पाई एबे भारत सरकार पक्षर 100 UAV किणा जीव। शत्रु देश एवं आतंकवादी चक्रव्यूह को विफल करने को एबे एपरी योजना करा जाउछि। नंबर 27 14 स्थान उपरको उठिले रन मशीन विराट कोहली। एशिया कप 2022 रे भारत सुपर 4 रु विदाई नहींचे किंतु विराट कोहली फॉर्म फेरिबा सहित धमाकेदार इनिंग्स खेलिचंती जहाँ तक फायदा देछि 2020 ब्याट रैंकिंग रे एबे विराट ऊपर को उठिचंती। यहाँ सहित श्रीलंकार भेटराल ऑलराउंडर तथा एशिया कप रे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होइतिबा वानिधि हसरंगा मध्य ऊपर को उठिचंती। T20 रैंकिंग रे 14 स्थान ऊपर को उठी 15 स्थान रही कोहली। से भली हसरंगा 3 स्थान ऊपर को उठी 6ष्ठतम स्थान अच्छा। बैटिंग रैंकिंग रे सूर्य कुमार यादव 4र्थ स्थान अच्छा। यह सहित रोहित शर्मा 14तम स्थान अच्छा। T20 रैंकिंग रे प्रथम स्थान रे पाकिस्तान रे ओपनर मोहम्मद रिजवान थिबा बेले। नंबर 28 सौरभ गांगुली एवं संपादक जय शाह कार्यकाल वृद्धि बढ़ला BCCI सभापति एवं संपादकों कार्यकाल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डर सभापति सौरभ गांगुली कार्यकाल वृद्धि पाई एने BCCI पक्षर सुप्रीम कोर्ट में दाखल कूलिंग ऑफ पीरियड संपर्कित प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बुधवार दिन ए संपर्कित प्रस्ताव उपर सर्वोच्च न्यायालय शुणाणी कर राय प्रकाश कर। नंबर 29 क्रिकेटर समस्त प्लाटफर्म्रु अवसर ने रवीन उथापा। क्रिकेटर समस्त प्लाटफर्म्रु अवसर नहीं भारतीय बैट्समैन रवीन उथापा एने ट्वीट कर से निजे अवसर संपर्क में घोषणा कर। नंबर 30 17 वर्षर कम महिला फुटबल आयोजन को कैबिनेटर मंजूरी। आंतर्जातिक फुटबल महासंघ फिफा 17 वर्षर कम महिला विश्वकप 2022 भारत में आयोजन कर। भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में प्रतियोगिता आयोजन पर ग्यारंटी स्वाक्षर प्रस्ताव को मंजूरी मिली। तबे यह विश्वकप 11-30 अक्टोबर 2022 मध्य भारत में अनुष्ठित हो। भारतर नाभि मुंबई भुवनेश्वर और गोआ में खेल एथिपाई खेल पड़िया एवं सर्वेक्षण स्टेडियम क्षमता विकास विद्युत संयोगीकरण 10 कोटी टंका मंजूर करा जाई।